महंगाई और केंद्र सरकार के घोर पूंजीवादी नीतियों क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ राजभवन घेराव कार्यक्रम में पूरे राज्य से कांग्रेसी नेता राजभवन कूच करने पहुंचे। वहीं इस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। अडानी प्रकरण की जांच सेबी कर रहा और मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी कांग्रेस नौटंकी और ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आ रही। यूपीए शासनकाल में सर्वाधिक घोटाला हुआ था तो कांग्रेस को एक हल्ला बोल और घेराव के कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर से भी करनी चाहिए थी। मानना है कि कांग्रेस का देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है। अभी अडानी प्रकरण की जांच सेबी कर रहा है, अडानी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कांग्रेस नौटंकी के लिए, सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए राजभवन के घेराव का कार्यक्रम रखी थी। और अगर भ्रष्टाचार से इन्हें इतना ही प्रॉब्लम है जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2004 से 14 के बीच में जब यूपीए में कांग्रेस का शासनकाल था, तब कॉमनवेल्थ 2G, 3G, 4G, जीजाजी तमाम स्कैम्स हुए थे। उस समय तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, तो इनको तो ये हल्ला बोल और घेराव कार्यक्रम की शुरुआत सोनिया गांधी जी के घर के घेराव के साथ करनी चाहिए थी। और जो इनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन के नेचर को बदलकर अरबों रुपए कमाए थे, तो एक दूसरा हल्ला बोल तो प्रियंका वाड्रा जी और रॉबर्ट वाड्रा जी के घर पर भी बनता है। दरअसल कांग्रेस इस देश में अप्रासंगिक हो गई है। रफाइल के मुद्दे पे ये इसी तरीके का नाटक कर रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय से जब इन्हें फटकार लगी तब ये शांत हुए। कांग्रेस सिर्फ नौटंकी के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।